साबूदाने की ना नमकीन, ना पकौड़ी और ना ही खिचड़ी। बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में इतनी टेस्टी कि अगर आपने एक बार बना ली तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे, और हेल्दी भी है। और एक बार अगर आप खा लोगे व्रत में या वैसे भी, तो आपको सारे दिन भूख नहीं लगेगी। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप ये साबूदाना ले लिया है। ये मैंने छोटा वाला साबूदाना लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लिया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम छोड़ते जाएंगे, और एक साथ नहीं छोड़ेंगे, और आधे आधा करके हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल का आपको खास ध्यान रखना है, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपका साबूदाना डालते ही ये खिलकर आएगा। हम इसकी खिचड़ी नहीं बनाएंगे, घबराइए नहीं। आज बिल्कुल अलग रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे साबूदाने की। इस तरह साबूदाना हमारा खिलकर हो गया है तैयार, और बस हम इतना ही इसे फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस बैच को हम निकाल लेंगे। ऑयल को थोड़ा इस तरह से करछली टेढ़ी करके निकालें, जिससे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आए। थोड़ा सा यहाँ पर नचोड़ लें ऑयल को, और इसी तरह मैं सारे साबूदाने को निकाल लूँगी। आपको ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे, और आप इसे व्रत में भी खाएंगे और बिना व्रत के भी खाएंगे, तब भी आपको भूख नहीं लगेगी। और एक बैच हमारा सिक कर तैयार हो गया है, और दूसरा बैच भी इसी तरह हम सेक लेंगे। ऑयल आप ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालें साबूदाना, नहीं तो ये खिलेंगे नहीं। और इस तरह थोड़े थोड़े करके ही डालें, एक साथ नहीं पलटे। और साबूदाना बहुत अच्छी तरह से मेरा ये पक गया है। अब इस बैच को भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और इसे फैला के रख दें, जैसे जल्दी जल्दी ये ठंडा हो जाए। पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे पंखा की हवा में रखें, नहीं तो आप 5 मिनट ऐसे भी रख दें। अब साबूदाना मेरा ठंडा हो गया है, और इसमें से 2 चम्मच साबूदाना हम निकाल लेंगे, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब जो साबूदाना बचा है उसे डालेंगे हम मिक्सी जार में, और आधा आधा करके मैं पीसूंगी, कि मिक्सी जार मेरा छोटा है तो एक साथ नहीं डालेंगे, और इसका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। और साबूदाना मैंने पीस कर लिया है तैयार। इस तरह आपको बारीक ही पीसना है। अब चलो हम इसे तैयार करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक गाजर ली है, जो मैंने बारीक बारीक लच्छे बना लिए हैं। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर डालें। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जो मैंने ये कस करके लिया है। 2 लिए हैं हरी मिर्च, ये भी मैंने बारीक काट ली हैं। थोड़ी सी ली है मैंने धनिए की पत्ती। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा साबित, और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसमें 1/2 चम्मच नमक। व्रत में बना रहे हैं तो व्रत का ही नमक डालें। और 2 ले लिए हैं मैंने आलू, ये घिया कस कर लिए हैं मैंने। आपको घिया कस करके ही लेने हैं। अगर आप घिया कस नहीं कर रहे हैं, फोड़ कर ले रहे हैं, तो आप इसे बारीक बारीक फोड़ लें, इसमें गांठ नहीं होना चाहिए। अब इस तरह ही मैंने ये मिला ली हैं सब्जियां, और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे सिंगाड़े का आटा। अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो सिंगाड़े का आटा डाल लें, नहीं तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैं जो साबूदाना हमने निकाला था वो डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर साबूदाने में हमारे ब्रांडिंग अच्छी होगी तो हम इसमें और नहीं डालेंगे सिंगाड़े का आटा,
और नहीं तो इसमें 2 चम्मच और डाल देंगे। आलू पे डिपेंड करती है कि आलू आपका कैसा है। मेरा 2 चम्मच आटे में ही ये बनकर हो गया है तैयार। अब इसे हम रेस्ट पर छोड़ देंगे कि साबूदाना फूलेगा तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब 2 मिनट बाद हम देख लेते हैं, साबूदाना हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। अब हम इसमें अपने हाथ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह ऑयल लगाकर उस डो को चिकना कर लेंगे जिससे ये चिपके नहीं। और इस तरह मैंने चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। लोइयां आप बड़े छोटे जैसे बनाना चाहते हैं उस तरह का बना लें। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे मीडियम साइज की लोइयां बनाकर तैयार करेंगे इस तरह की। अब मैंने एक चकरा ले लिया है और इस पर इस तरह की पोलोथीन ले ली है। कोई भी पोलोथीन ले सकते हैं, बटर पेपर है तो वो भी ले सकते हैं। अब हम इस पोलोथीन को मोड़ देंगे और अब लेंगे हम एक प्लेट या कोई भी बर्तन और इसे इस पर रखकर और दोनों हाथ से या हल्के से हम दबा देंगे जिससे ये एकदम गोलाई में बन जाए। और इस तरह मैं दबा दबा कर इसको बड़ा कर लूँगी। इस तरह ये बनकर तैयार हो गया है और ये बिल्कुल एक फ्लेम में बना है। अब हम अपना तवा देख लेते हैं। तवा हमारा गरम हो गया है, हाई गरम नहीं करना है हमको, मीडियम लो के बीच में तवे को गरम करेंगे। अब इस तरह हम पोलोथीन से और अपने हाथ पल पलट लेंगे और बहुत इजी तरीके से ये पट जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब इसको हम 2 मिनट तक सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे आराम से छुटा लेंगे और बहुत आराम से ये छुट जाएगा। अब इस तरह हम इसे पलट देंगे और पलट पलट के ही हम सेकेंगे। लो गैस पर ही मैंने सेके हैं, ज़्यादा हाई गैस नहीं करेंगे। वैसे साबूदाना तो हमारा पका पकाया है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची है। और इस तरह पलट पलट कर मैंने सेक लिया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह मैं सारे नाश्ते को सेक लूँगी और आप इसे व्रत में खाएं और वैसे भी बनाकर फटाफट दे सकते हैं सुबह सुबह। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, नहीं हमें साबूदाना भिगोना है और ना सुखाना है। अब इस तरह नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मैंने चटनी के साथ सर्व करा है और बहुत ही सॉफ्ट पराठे बने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने एक बार बना ली तो आप व्रत में इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर खाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। थैंक